आज इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट मैच का जो बॉक्सिंग डे टेस्ट है उसका सेकेंड डे था, और जो जब सेकेंड से स्टार्ट हुआ तो शुभमन गिल ने 45 रन मारे, उसके बाद पुजारा ने 17 रन, हनुमान विहारी 21 रन, ऋषभ पंत ने मारे 29 रन, और रविंद्र जडेजा और अजिंक्य रहाणे ये दोनों भी नट आउट थे आज। और जडेजा ने 40 रन मारे 104 बॉलों में, जो कि काफ़ी अच्छी, आई होप कि कल वो हाफ सेंचुरी करे और सेंचुरी भी करे। अजिंक्य रहाणे जिस तरीके से उन्होंने कल फील्डिंग चेंजेस की, बॉलिंग चेंजेस की, ही इज़ लाइक, मेरे ख्याल से ही इज़ लाइक हिज कैप्टनशिप वॉज बेटर देन विराट कोहली, जो भी कैप्टनशिप विराट कोहली ने की थी फर्स्ट मैच में उससे बेटर है अजिंक्य रहाणे की कैप्टनशिप। उसके बाद अगर देखा जाए तो अजिंक्य रहाणे के 104 रन हो गए 200 बॉलों में, स्ट्राइक रेट भी अच्छी खासी है 52 की, और जिन्होंने उन्होंने 12 रन मारे और बोलते हैं ना कि कैप्टन इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, वो उन्होंने करके दिखाया और काफ़ी अच्छी तरीके से, और अभी भी नॉट आउट है। सो आई होप फॉर द बेस्ट कि कल भी शायद से और अच्छी बैटिंग देखने मिलेंगी। उसके बाद अगर देखा जाए टोटल स्कोर तो इंडिया का टोटल स्कोर अभी 277 पे 5 है, और इंडिया को 82 रन की काफ़ी बड़ी बढ़त मिली, और मेरे ख्याल से आई थिंक अपनी जो लीड है वो 150 के आसपास होंगी या उसको क्रॉस कर देंगी कल। उसके बाद अगर आप देखें बॉलिंग में, बॉलिंग आज की ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग बहुत ऑर्डिनरी थी, किसी ने कुछ खास बॉलिंग नहीं किया आई थिंक, एक्सेप्ट पैट कमिंस जो लाइन और लेंथ काफ़ी अच्छी धारा थे, उसके अलावा मिशेल स्टार्क हुए या हेजलवुड हुए या ग्रीन हुए, इनकी बॉलिंग उस लेवल की नहीं थी जिस लेवल की लास्ट मैच में थी। सो इसका काम है, और उनको मिला भी, उनसे विकेट नहीं लिए गए और 277 पे 5 कर सेकेंड डे के एंड तक आते हुए इंडिया एक हद तक काफ़ी आगे निकल चुकी है ऑस्ट्रेलिया से। अगर कल इंडिया लंच तक खेल लेती है सो इंडिया का स्कोर का, इंडिया का लीड 150 के आसपास होगा, जो कि बहुत बड़ा स्कोर है, और जिसको ख़त्म करके फिर से इंडिया को लीड देना जो ऑस्ट्रेलिया के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, आई थिंक ये वाला टेस्ट शायद हम जीत रहे हैं, सो इंडिया विल विन दिस टेस्ट, देखते हैं आगे क्या होता है।